हे गाइस, यहाँ पर Realme X3 के कुछ इमेजेस लीक हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बार भी Realme X3 सीरीज में आपको वही सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यानी कि जैसे आपको हर एक Realme के स्मार्टफोन में सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, सेम डिजाइन मिलता है, वही चीज आपको इस बार भी Realme X3 सीरीज में भी देखने को मिल जाएगा। और ये जितने भी इमेजेस है ये लीक हुआ है TechHangout.com वेबसाइट की तरफ से और इस चीज को ईशान अग्रवाल ने भी कन्फर्म कर दिया है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या कन्फर्म स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस फोन में आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा और इसी के वजह से यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस फोन में जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगा कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको फ्रंट में डुअल पंच होल देखने को मिल जाएगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और यहाँ पर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इस बार Realme X3 सुपर जूम एडिशन में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको Snapdragon 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पिछले बार जो आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल रहा था Snapdragon की तरफ से, वही सेम प्रोसेसर आपको इस बार Realme X3 सुपर जूम एडिशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमें यह कंफर्मेशन नहीं मिला है कि Realme X3 में आपको क्या यही सेम प्रोसेसर मिलेगा या फिर कोई और प्रोसेसर होने वाला है, तो इसके बारे में पता चलने के बाद मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। और यहाँ बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जैसे 8GB रैम, 12GB रैम, और इसके अंदर आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट मिलेगा। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ इस फोन में पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का और ये आने वाला है Samsung GW1 सेंसर के साथ। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ जैसा आपको हर एक फोन में मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ कैमरा होगा ये थोड़ा सा अलग होने वाला है Realme X3 सुपर जूम एडिशन में, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 60x तक का डिजिटल जूम और 5x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा। और ये जो लेंस है यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो Realme X3 होगा इसके अंदर शायद आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बदले आपको डेप्थ सेंसर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4200mAh का बिग बैटरी मिलेगा और साथ में 30W का डार्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस फोन में मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस फोन में कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें भी हैं जो शायद आपको अच्छा ना लगे, जैसे यहाँ पर आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी आप SD कार्ड भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और ऊपर से यहाँ पर आपको वही पुराना घिसा पिटा डिजाइन देखने को मिल जाता है। और यहाँ बात करें इसके कुछ पॉजिटिव चीजों की तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा और इम्प्रूव्ड कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगा, और यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इस फोन में आपको कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेगा और साथ में पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल जाता है। तो अभी अगर हम बात करें कि इसका प्राइस रेंज कितना हो सकता है इंडिया में, तो हमें लगता है कि ये जो फोन है शायद आपको 25,000 से 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये स्मार्टफोन कैसा है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।